हिमाचल के जहां पोंग डैम में खेती पर रोक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर के मिलने के बाद पोंग बांध विस्थापितों ने फतेहपुर विधानसभा के धमेटा के चाटा में ट्रैक्टरों के साथ पोंग में बिजाई करने पहुंच गए। बीबीएमबी की भूमि पर ट्रैक्टर से फसल बीजना शुरू कर दी। इसकी सूचना वन्य प्राणी विभाग को मिल गई, जिस पर वन्य प्राणी विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन पोंग विस्थापितों व अन्य लोगों की भीड़ देखकर कुछ दूरी पर ही रुक गए। वहीं विभाग कर्मियों के पहुंचने की जानकारी मिलते ही पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत भी मौके पर आ गए। डॉक्टर राजन सुशांत भी खुद ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। उन्होंने विस्थापितों को लगातार बिजाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि जब तक विस्थापितों को इकरारनामे अनुसार राजस्थान में जमीन नहीं मिलती है, तब तक बिजाई लगातार करते रहेंगे। वन्य प्राणी विभाग के आरओ सेवा सिंह ने कहा कि ट्रैक्टरों से बिजाई की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही विभाग के करीब 8 कर्मी मौके पर भेजे गए, लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा होने के चलते वो आगे नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उच्च अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। वहीं वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ राहुल एम रोहानी ने कहा कि पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत सहित बिजाई कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस थाना फतेहपुर में शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टरों सहित लोगों के नाम दर्ज करवाए गए हैं, किसी को भी पोंग किनारे खेती नहीं करने दी जाएगी। वहीं पूर्व सांसद राजन सुशांत ने भी वन्य प्राणी विभाग के खिलाफ पुलिस थाना फतेहपुर को शिकायत सौंपी है। देखिए कांगड़ा से संवाददाता नीरज शर्मा की एक खास रिपोर्ट। सर आज जो यहाँ पे मुद्दा उछला हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी देंगे आप? हाँ जी, ये जैसे मेरे संज्ञान में आया आज दोपहर को लगभग कि ऐसे चाटा गाँव में कुछ लोग जो है वो अवैध खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैं लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ और इनको ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है सन 2013 में, उसके अनुसार जो है वो 1410 फुट समुद्र तल से ऊपर तक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्र पड़ता है, और उस क्षेत्र में जो है वो किसी प्रकार का अवैध गतिविधि जैसे कि खेती करना जो है वो मान्य नहीं है, वो कानून अपराध है। तो वही मैं यहाँ पे लोगों को समझा रहा हूँ कि कृपया आप कानून को अपने हाथ में ना लें, और अभी जब तक ये अगर उनका कोई डिस्प्यूट भी रहता है कि क्योंकि यहाँ लोग कह रहे हैं, गाँव के लोग कह रहे हैं कि इनका जब बीबीएमबी के साथ एग्रीमेंट हुआ था या जो भी लैंड्स इनसे बीबीएमबी ने ली थी, अक्वायर की थी, तब वो लैंड्स का कुछ डिस्प्यूट है ये लोग कह रहे हैं। तो मैं इनको यही कह रहा हूँ, अपनी तरफ से इनको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अगर बीबीएमबी से कोई लैंड का डिस्प्यूट है तो आप संबंधित जो भी फोरम है, सरकार द्वारा दफ्तर खोला गया है राजा तालाब में, वहाँ पर उस मुद्दे को उठाएँ कि जो भी उनका लैंड का डिस्प्यूट है वो सेटल हो सके, परंतु कानून को अपने हाथ में लेकर जो है सेंचुरी क्षेत्र में किसी प्रकार का नुकसान ना करें, नहीं तो ना चाहते हुए भी हमें कानून कार्यवाही जो है वो लोगों के खिलाफ जो है करनी पड़ेगी, जो कि अच्छा नहीं है, परंतु अगर मजबूर होंगे तो हमें वो कार्रवाई करनी पड़ेगी, यही मेरा कहना है। मैं चाहूँगा कि क्या विभाग के पास भी कोई इस प्रकार की नोटिफिकेशन है? बिल्कुल बिल्कुल, लिखा हुआ है विभाग के पास नोटिफिकेशन है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अभी प्रोवाइड करा सकता हूँ, जिसमें जो 7 जून 2013 को सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें कुछ क्षेत्रों को छोड़ के जो वन क्षेत्र पड़ते हैं उन क्षेत्रों को छोड़ के 1410 फुट समुद्र तल से ऊपर जो है वो सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया शरण्य स्थल, पोंग झील शरण्य स्थल करके इसका नाम है, और ये रामसर साइट भी है, एक बहुत विश्व स्तरीय वेटलैंड है। तो वो अधिसूचना की कॉपी अगर आप चाहते हैं तो आपको भी, और कुछ ग्रामीण भी कह रहे थे कि हमें उसकी कॉपी चाहिए, तो मैंने उनको भी कहा है कि उनको वो उसकी प्रतिलिपि मैं इनको आज मुहैया करवा रहा हूँ। नहीं सर, उस पर क्या कल्टीवेशन के लिए उसमें ऐसा होता है कि जो सरकार द्वारा शरण्य स्थल घोषित कब भी कोई किया जाता है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों को जो है वो रोका के ऊपर रोक होती है, तो उसमें जो ये खेतीबाड़ी करना जो है, एग्रीकल्चर करना जो है वो उसमें जो है वो अलाउड नहीं है उस नोटिफिकेशन के तहत। तो अगर इस प्रकार की जो कल्टीवेशन कोई करता है तो वो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट होता है, जो पक्षियों के लिए या अन्य किसी भी कई प्रकार की जो जीव जंतु हैं उनके हैबिटेट का जो उसमें नुकसान होता है, तो इसलिए वो एक अवैध गतिविधि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मानी गई है। तो जी, उसी आधार पर हम जो है इनको रोकने का प्रयास, समझाने का और रोकने का प्रयास कर रहे हैं जी। थैंक यू। जो पोंग बांध की खाली भूमि जो पड़ी है जिस पर खेतीबाड़ी करी जा रही है, मेरे विचार में शायद आपके विभाग से बातचीत हुई होगी, क्या आप उसकी जानकारी देंगे हमें? विभाग से हमारी ये बात हुई है कि कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिल के धर्मशाला आए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि जो लगातार 35-36 सालों से परम्परा चल रही है खेती करने की, वो जारी रहनी चाहिए, और फिर भी इस समस्या का परमानेंट हल
हम खोजने के लिए 2-3 दिन में प्रयास कर रहे हैं। परंतु आज ही सुबह मुझे फ़ोन आ गया चाटा से कि वाइल्ड लाइफ के कर्मचारी और अधिकारी वहाँ के डरा रहे हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर BO और कुछ गार्ड लोग थे। तो हमने पूछा कि क्या कारण है, आप क्यों डरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। तो हमने कहा हाई कोर्ट की कॉपी ले आओ, दिखाओ हमें। तो 1-1.5 घंटा तो उनको कॉपी मिली नहीं। 1.5-2 घंटे के बाद RO आए और साथ में कॉपी मंगवाई। RO ने भी उसके बाद कॉपी मंगवाई। और जब हमने कहा कि पढ़ के सुनाओ, तो जब पढ़ने लगे तो हाई कोर्ट का कहीं कोई ऑर्डर नहीं है, केवल किसी ने एप्लीकेशन दी थी और उसने एप्लीकेशन वापस ले ली है। तो हाई कोर्ट ने यह कहा है कि आप इस मामले को, एप्लीकेंट ने कहा कि हम अप्रोप्रिएट जगह पर रिहैबिलिटेशन के बारे में हम बात उठाएंगे, उस मंच पर बात करेंगे, और ये कह करके एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर दी है। तो तब हमने विभाग के अधिकारियों को कहा कि हाई कोर्ट की आप बात कर रहे थे, हाई कोर्ट का कहीं कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए आगे के लिए हमारे इलाके की जनता को परेशान मत करना, नहीं तो गरीब लोग जिनको भोजन नहीं मिलेगा, खेतीबाड़ी से वो अपने परिवार का पेट पालते हैं, अगर आप बार बार तंग करोगे तो काल को भड़क सकते हैं, यहाँ कानून व्यवस्था खड़ी हो सकती है। और हमने उनको कहा कि आप कृपया यहाँ से चले जाइए। और उसके बाद फिर पुलिस के जो अधिकारी आए थे लोकल फतेहपुर से भी, वो भी वहाँ से चले गए और वो लोग भी चले गए। डॉक्टर साहब, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के भी कोई दिशा निर्देश वगैरह हैं? इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश नहीं। इस मामले में आज 2000 सन के पूरे हिंदुस्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, और ऐसे NGT के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले समय समय पर बहुत आते रहते हैं। हमारा कहना है कि 2000 का फैसला 2019 में कहाँ याद आ रहा है इनको आकर के? 19 साल तो लगातार फसल हो रही है, तो 19 साल कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था यहाँ पर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।